वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट कैसे नया लगाना हो या फट गया तो उसे चेंज कैसे करें। तो अभी जैसा देख सकते हैं कि हमारे साइड पे ऐसा हुआ है कि ये 20 मीटर लेंथ की बोथ, मतलब कि इसको डबल कर में नापेंगे तो 20 मीटर लेंथ की थी बेल्ट, और सिंगल कर दें तो 40 मीटर की। और ये लगभग 2500 MQ निकालने के बाद ये फटी है। और ये स्विंग स्टेटर 2.5 का कन्वेयर बेल्ट है, तो ये भी ग्रुप में आता है इसकी बेल्ट, इसमें सिंपल बेल्ट नहीं लगती है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इसको अभी निकालने के लिए जैसे भी है तो इसको फुल लेंथ में निकालेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको एक दो कट करके निकालेंगे तो जहाँ से कट हो गया है तो निकालने से बहुत आसानी से हो जाता है। और जो मटेरियल हॉपर से गिरने के बाद उसको सूट जो बेल्ट पे गाइड करता है उसको तो भी खोलना है, और सभी रोलर को भी खोलना है। तो क्योंकि इसमें दो बेल्टों के बीच में जो भी कैरी रोलर हैं, रबर रोलर हैं, जो भी हैं, सब रोलर खुलेंगे तो जाके बेल्ट चेंज होगा। क्योंकि ये बेल्ट यदि हमें जॉइंट करना होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना नहीं खोलना होता। जॉइंट में भी 4 से 5-6 घंटे तो चले जाते हैं, और जॉइंट का सेट उसको लगाने के बाद सूखने का उतना टाइम दिया जाता है, तो उसके बाद उसको भी फैलाना लगाना टाइम तो लगभग सेम ही लग जाएगा। तो अभी हम लोग यूज करेंगे कि हम लोगों ने जो मंगाए हैं वो ऑलरेडी जॉइंट होके आया है, तो इसलिए सब कुछ खोलना है। तो ये जो बड़े रोलर लगते हैं नीचे बेल्ट के सपोर्ट के लिए जो रिटर्न आता है बेल्ट, तो इसको नहीं खोलना होता है, ये ऐसे ही लगा रहता है। और इसके ऊपर से जब हम लोग बेल्ट चढ़ाते हैं या उतारते हैं तो बहुत आसानी से बेल्ट उतारने चढ़ाने में थोड़ा हेल्प मिलता है। ये जितने स्टैंड दिख रहे हैं कैरी रोलर के, ये सब स्टैंड खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टैंड बीच में होता है, एक बेल्ट ऊपर से जाती है दूसरी रिवर्स होके इसके नीचे से आती है, तो इसी सब में टाइम लगता है, बाकी बेल्ट लगाने में ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि जितने रोलर के स्टैंड हैं सब निकालिए फिर उसको लगाना है, और ऊपर ये साइड में ये जैसे है तो यहाँ से जो मटेरियल सूट का डिस्चार्ज होता है तो इसका ये बड़ा सा जो लास्ट में कैप है रोलर के ऊपर इसको भी हटाना होता है, इसको खोल के। और जो बड़े रोलर ये जो हैं तो इसके एक साइड का बोल्ट फुल लूज कर लीजिए और दूसरे साइड का नट बोल्ट निकाल के अलग करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये रोलर का स्टैंड है कैरी रोलर का, तो इसको दोनों साइड के नट बोल्ट हम लोग नहीं निकाले हैं, एक साइड का लूज करके दूसरे साइड से ऐसे निकालनी है ताकि लगाने में भी समय की बचत होगी। क्योंकि दोनों तो इसमें कट दिया हुआ है तो दोनों मतलब नहीं है कि दोनों साइड का निकाल लें, तो लूज करके थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी ऐसे काम करने में। तो सबको अच्छे से निकालना है क्योंकि बहुत सावधानी से करना है। और हम लोगों ने इसको निकालने के बाद सबको ये पूरे कन्वेयर जो है उसको वॉश कर दिए थे, जिसकी वजह से दोबारा लगाने में डस्ट वगैरह और जो भी है क्लीनिंग हो गया एक बार तो सही रहता है। तो हम लोग इसको साफ़ कर लिए अच्छे से, अब इसमें बेल्ट चढ़ानी है। बेल्ट चढ़ाने के लिए हम लोग इसमें हाइड्रा का इस्तेमाल किए हैं। अभी तक हम लोग जनरली क्या करते थे, नीचे से बेल्ट खींच के ऊपर ले आते थे। अब की बार हम लोगों ने थोड़ा समय की बचत के लिए और थोड़ा काम जल्दी हो जाए उसके लिए हाइड्रा का प्रयोग किए हैं। तो आगे देखते हैं कि हाइड्रा से हम लोग कैसे उसको ले जाते हैं। ये सभी रोलर नीचे ही पड़े हैं, ऊपर से खोल दिए हैं तो अभी सबको लेके जाके लगाना पड़ेगा। तो इसमें से जब भी आप, जैसे हम लोगों ने खोला तो इसमें क्या किया, सभी रोलरों में जो बैरिंग है उस साइड से ऑयल डाल दिया था, क्योंकि कन्वेयर तो रोलर हमेशा रिपेयर नहीं करते हैं, जो लग जाता है चलते रहता है, डस्ट पड़ती है। जब ऐसे में समय में उस रोलर खुल गया है तो उसमें जो कैरी रोलर है सब में ऑयल लगा, जो ऑयल पंप होता है उसके माध्यम से ऑयल डाल देंगे तो थोड़ी उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, जो उसमें एक्स्ट्रा साउंड रहता है वो बंद हो जाता है।
तो इस तरह से हाइड्रा की सहायता से इस पूरे बंडल को बंधे हुए, बंडल खोलना नहीं है, जैसे बंधा हुआ है अच्छे से बंधे हुए इसको ऊपर उठा लिए हैं। और ऐसे लटकाने के बाद ऊपर साइड से इसमें क्या हुआ कि ये रोलर के जैसा ये स्विंग करते हुए ये घूमता चला गया और बहुत आसानी से 5-6, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जो ग्रुप है उसी में आपको राड लगानी है, आप कहीं और लगाएंगे तो जब ये पूरा ओपन होगा तो पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और बहुत आसानी से ये बेल्ट नीचे को चला जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही। यदि यदि यही काम नीचे से ऊपर को लाना होता तो काफ़ी मेहनत पड़ता, काफ़ी टाइम लगता। तो थोड़ा यहाँ ऊपर से ले जाने से वो थोड़ा काम आसानी से हो रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर ले आएंगे तो ग्रेविटी के अपोजिट जाना है। अभी नीचे ले जाना है तो ग्रेविटी साइड में जा रहा है, इसलिए थोड़ा आसानी से हो जा रहा है वर्क। और इसमें काफ़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। हम लोगों ने कैप पूरा नहीं खोला है जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है कि वर्क किया जा सकता है। तो बीच में 2-3 हम लोगों ने खोला है, बाकी इसी तरह से आप जैसा देख सकते हैं कि पूरा खुला नहीं है, बीच में 2-3 खोल लिए हैं जिसकी वजह से, और बीच में 2-3 लड़के अंदर आगे सबको खींचते हुए जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर है कि राड किस हिसाब से लगा हुआ है। यदि पूरा बेल्ट खुल जाए तो भी राड पे बेल्ट टंगा रहेगा, यदि गलत पोजीशन पे आप लगा देंगे तो ऐसे में खतरा हो सकता है। और जो भी बेल्ट लगाएंगे, जो भी राड लगाएंगे, काफ़ी मजबूत होना चाहिए ताकि इतने हाइट पे टूटेगा या खुल जाएगा तो काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, काफ़ी किसी को चोट भी आ सकती है, इसलिए ऐसे काम में काफ़ी सावधानी से किया जाता है। और ये भी ग्रुप का बेल्ट है, थोड़ा सा नीचे साइड से फंस के भी नीचे को खींचने में पड़ता है, और यदि प्लेन रहे तो बहुत आसानी से स्किड करके चला जाता है। अभी ये बेल्ट पूरी फैल चुकी है नीचे तक। अब यहाँ से इसको हटाने के बाद यहाँ से हाइड्रा हटा लेंगे। अब हाइड्रा का काम हो गया, अब इसको इस साइड से रोलर के ऊपर चढ़ाएंगे। अभी जैसे देखें एक साइड से रोलर उठा के इसमें एक साइड से इसको चढ़ाना है। देखने में काफ़ी ये वर्क इजी होता है लेकिन इतना इजी नहीं होता है। इसको लगाने में, फिट करने में 12, मतलब 1 दिन का समय लग जाता है। यदि आपके पास 5-7 लड़कों से आप काम कर रहे हैं तब, यदि कम लड़के रहेंगे तो, यदि आप इसमें 2 टीम वर्क कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसा कि अभी देख लीजिए, ये ऊपर साइड का कंप्लीट हो गया है, अब नीचे साइड का लगाना है। तो ऊपर जो इसको लगाने के बाद ऊपर के रोलर के बोल्ट टाइट करके फिर नीचे का टाइट करना है, नीचे का बेल्ट चढ़ाना है, क्योंकि इसको अब टाइट कर देना है, अब ऊपर कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर का वर्क हो गया कंप्लीट। अभी आगे हम लोग नीचे साइड में इसका जो एडजस्टिंग बोल्ट है पूरा लूज कर लेना है, क्योंकि ये नया बेल्ट है, जिस पोजीशन पे आपका चल रहा होगा वहाँ पे अब ये नहीं चलेगा, काफ़ी आके ऊपर ये चलेगा। अब कम से कम इसमें 6 इंच का डिफरेंस आ जाएगा, और ये जैसे जैसे बेल्ट पुराना होगा फिर ये खींच के थोड़ा बढ़ने लगता है। अभी ये देखिए नीचे साइड का भी हम लोगों ने उसी तरह से चढ़ाया जिस तरह से ऊपर का चढ़ाया है, नीचे भी, और नीचे का पूरा रोलर हटा के भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है।
नीचे, क्योंकि नीचे पे आप रोलर बहुत आसानी से पूरा बाहर करके बेल्ट के अंदर रख के फिर उस ग्रुप पे ले आके बैठा सकते हैं। अभी देख लीजिए, ये पूरा बेल्ट भी ग्रुप का है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिर्फ रोलर के स्टैंड लगाने हैं। ये हॉपर हम लोगों ने इसका जो बेल्ट पे आता है इसको लगा लिया है। अब इसके रोलर और स्टैंड बाकी हैं, वन बाय वन उसे भी लगा लेंगे। और ये टॉप पे भी इसके कैप हम लोगों ने टाइट कर लिया है, इसके भी कैप लगा लिया है। जो भी कन्वेयर बेल्ट की जो ये सीट होती है, जो कवरिंग सीट, इसको भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके रोलर भी सब लगा के अब कंप्लीट है। तो इसको जिस तरह से रोलर निकाले हैं उसी तरह से फिट कर लिए हैं। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, अब ये रनिंग के लिए ओके है। तो आप लोगों को ये हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।